मेरा नाम राहुल जतिन है। मैं अभी अभी अपने पहले सिंगल आँखों के इशारे से मेरा रिलीज़ हुआ है और आई होप आप लोग को अच्छा लगे। जी म्यूज़िक के साथ है। एक डांस वाला गाना है, उसमें मैंने डांस किया है, जिमनास्टिक्स किया है, मैंने खुद कंपोज़ किया है, गाया है, ऐसे डांस वाला गाना है। मैं मेरी डैड जतिन पंडित और जतिन ललित जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मैं जतिन जी का बेटा हूँ और उन्होंने कई फिल्में की हैं। हमारा पंडित जसराज जी मेरे दादाजी के छोटे भाई हैं और हाँ, ललित अंकल मेरे अंकल हैं। मेरे पापा म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उन्होंने एक दो फिल्मों में गाया है खुद ही के गाने, पर ऐसे कोई चैलेंजिंग ऑनेस्टली मैं इतना ऐसा सोचता ही नहीं हूँ। जैसे ये सिंगल जब आ रहा था तो जितनी मेहनत हो सके मैंने किया, जितना अच्छा डांस कर सकूँ किया, जब तक अंदर से लगा नहीं कि हाँ यार ये गाना जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना तक मैंने अच्छा बनाया है। एक बार हो गया था सब तो फिर मैं ऐसा कभी सोचता भी नहीं हूँ। एज लॉन्ग एज मैं जानता हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, वही वही मेन चीज़ है। वो पापा ने क्या किया वो सब जो है सो है, मैं इतना इसका सोचता नहीं हूँ। नहीं, मैं जब छोटा था तो मेरे को पापा गाना सिखाते थे और सिंगिंग मैं रिलेटिवली नेचुरली कर लेता था हमेशा अच्छी तरह से। मुझे उसमें जैसे कोई अगर मेरे को कहे कि तुम्हें मैथ्स करनी है तो मैथ्स में बहुत मेहनत लगती थी और मैं तब भी अच्छा नहीं कर पाता था। सिंगिंग के साथ ऐसा नहीं था। पापा कभी कोई गाना वगैरह देते थे कि तुम इसको याद करके गाओ तो मैं अच्छे से कर लेता था। तो फिर जैसे जैसे बड़े हुए लगे कि यही करना चाहिए और कंपोज़ करना, फिर आप गाते हो तो कभी ना कभी आपको ऐसा गाना मिल ही जाता है जो आपको पसंद हो, पसंद आए और आपको मन होता है कि इसके जैसा कुछ बनाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी, और फिर मैं कंपोज़ करने लगा। हाँ, जब मैं छोटा था मैं स्कूल में ड्राइंग वगैरह बहुत करता था, तो बचपन में सोचता था शायद कार्टूनिस्ट बन जाऊँ। मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है, तो वो भी गाड़ियाँ भी बनाता रहता था। तो सोचता था कभी कोई अपनी गाड़ियों का डिज़ाइनर बन जाऊँ या कोई कोई कंपनी खोलूँ गाड़ियों की, ऐसा सब। तो हाँ, बचपन से ही है। जैसे जैसे बड़े हुए मेरे को लगा कि हाँ सिंगिंग मेरे को करनी चाहिए। ऐसे बचपन में तो काफ़ी चीज़ें, कभी कभी सोचता था क्रिकेटर भी बन जाऊँ। तो देखो यार, कुछ ब्रेक मिल जाता है आपको, आप किसी के बच्चे हो तो, लेकिन आपको आपका जो आप में हुनर नहीं होता है तो आप आगे बढ़ नहीं सकते वो सीधी। हाँ, अभी आपको ब्रेक मिल जाता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, कई मर्तबा लोगों को मिलता नहीं है। लेकिन बस आपको काम आना चाहिए अल्टीमेटली। अगर आपको काम नहीं आता तो आप लंबा टिक नहीं पाओगे। देखो यार, मेरे पापा हैं तो मेरे को एक एक्सेस इजी इजी पड़ा ऑब्वियसली, लोगों से मिलना। लेकिन और एक जो नॉलेज होती है, क्योंकि पापा ने खुद बहुत काम किया है, उनको बहुत ज्ञान है म्यूज़िक वगैरह का, किस तरह से गाना चाहिए, क्या कितना आप में एबिलिटी होनी चाहिए। तो हाँ, डेफिनेटली मेरे को एक लोगों से मिलने जो एक एक्सेस होता है वो मेरे को इजी पड़ा, क्योंकि मैं जतिन जी का बेटा हूँ। हाँ, मैंने जिमनास्टिक सीखा, मैंने डांस सीखा, मैंने एक्टिंग भी सीखी, क्योंकि अभी जो है पहले जैसा रहा नहीं कि खाली सिंगर गा के चला जाए। अभी अभी सब यूट्यूब पे जा रहा है, सब लोग सिंगल्स वगैरह बना रहे हैं। तो आपको अगर डांस आता हो, थोड़ी जिमनास्टिक्स आती हो, आप फ्लिप वगैरह कर सको, एक्टिंग भी जानते हो थोड़ी, तो आपको हेल्प हो जाता है, आपका वीडियो और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो उस वजह से मैंने सीखा था। ये वीडियो हम लोग ने मीरा रोड में शूट किया था और एक दिन का शूट था। तो मैंने अनुराग बेदी सर जो हैं, जी म्यूज़िक के सीईओ हैं, उनको मैंने कहा था कि सर मैं डांस वगैरह करता हूँ, मुझे जिमनास्टिक्स भी आता है, तो ये गाना है मेरे, ये गाना उनको अच्छा लगा था। मैंने तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इस पर थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह करो। और शाजिया पीयूष थे कोरियोग्राफर और डायरेक्टर, तो उनके साथ हम लोग बस शुरू हो गए। उन्होंने मेरे को कोरियोग्राफी सिखाई और प्रैक्टिस वगैरह किया और शूट किया उसको एक दिन में। पहले मैं एक दिन का शूट था, हम लोग ने शायद 9:30 को शुरू किया था, 1:30 रात तक ख़त्म हो गया था। पहले मैं कहूँगा दो एक, और बहुत गर्म था वो दिन पे, ऊपर से मैं जैकेट वगैरह पहना हुआ था, तो पहले 2 घंटे मैं थोड़ा शर्मा रहा था। मेरे को कह रहे थे कि थोड़ा और हंसो, थोड़ा और मुस्कुराओ वगैरह, लेकिन फिर क्या वो कर रहे थे और इतनी गर्मी भी थी, मैं बाद में बस कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैं बस करने लग गया था। तो एक्चुअली आई थिंक की वही है, आप सबसे ज़रूर आप खुद मज़ा करो करते करते शूट में, तो फिर अच्छा हो जाता है। अगर आप बहुत सोचने लगो तभी चीज़ें बिगड़ती हैं। तो
मेरे साथ भी वही हुआ, वो दिन इतना गर्म था, मैं बोला जो है सो है भाई, नाचो जो जो सिखाया करो मस्ती में, और फिर होपफुली अच्छा ही हो, और अच्छा ही हुआ। गाना, ये गाना इंस्पायर मैंने हुआ था, चार्ली पूट एक सिंगर है अमेरिका में, उनका एक गाना है अटेंशन, उससे मैंने थोड़ी इंस्पिरेशन ली थी। उसकी धुन ऐसी है, ना 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 ना, तो इसको सोच के मैंने ऐसा उसको किया, फिर ना 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 ना। तो गाना आप समझ लीजिए 3 दिन में पूरा धुन मैंने बना दी थी। और फिर इसका पहले म्यूज़िक प्रोडक्शन मैंने खुद ही किया था, फिर एक बार सिलेक्ट हो गया था, फिर हमने वापस कराया था। तो आप समझ लीजिए पूरा गाना ऐसे 3 हफ्ते में बन गया था ये लिखने के। और इसके बोल भी पहले अलग थे, पहले इसके बोल ऐसे थे, तुझ में जो नशा है अलग सा ये मज़ा है, मैं क्यों पीऊँ शराबे जाना तू ही बता। लेकिन जो अनुराग बेदी सर है उनने बोला कि देखो यार तुम अभी 21 साल के हो, अब भी ऐसा बोलना तुम्हारी एज ग्रुप के लोगों को कि शराबे मत पियो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर कुमार सर हैं, उन्होंने कई गाने लिखे हैं, सुबह होने ना दे, सूरज डूबा है यारो, तो उन्होंने फिर फाइनल लिखा, और उन्होंने बहुत मस्त लिख दिया। उन्होंने आँखों के इशारे समझता हूँ मैं सारे, ये मुझसे कह रहे हैं मैं कर लूँ गलतियाँ, तो एकदम ही सुपर्प लिख दिया था उन्होंने फाइनली। कुछ अपनी तरफ पापा का से इसमें यार कोई इतना हाथ है ही नहीं, अदर देन मैंने जब पहली बार धुन बनाई थी तो मैंने उनको सुनाया था, उन्होंने बोला हाँ ये अच्छा है बस, वरना बाकी ये जतिन ललित का गाना लगता ही नहीं है दूर दूर तक, तो इसमें उनका कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं। मेरे आइडल, मैं अक्षय कुमार सर को बहुत पसंद करता हूँ, मेरे को वो बहुत गुड लुकिंग लगते हैं, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, अच्छे से खाता हूँ, जिम वगैरह जाता हूँ, तो वो मेरे एक आइडल हैं। सिंगर्स में मेरे को मोहम्मद रफ़ी सर बहुत अच्छे लगते हैं, और आज में अरिजीत सर बहुत अच्छे हैं। फिल्मों में हम गाएंगे इवेंचुअली, मतलब दिमाग में तो है ही, मैं सोचता हूँ इनिशियली थोड़े 2-3 सिंगल करें, क्योंकि मैं खाली गाता नहीं हूँ, मेरा USP यही है कि थोड़ा डांस भी कर लेता है, जिमनास्टिक्स भी करता है, तो और अभी थोड़ा सिंगल्स का टाइम भी है इन ऑल। तो इनिशियली मेरा आइडिया यही है कि हम 3-4 और सिंगल निकालें, फिर इवेंचुअली जैसे थोड़े बड़े भी हो जाएं वैसे फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग को के लिए ट्राई करें। हाँ क्यों नहीं यार, मैं आँखों के इशारे तो मेरे को, मेरा थॉट ही है कि वैसे वैसे गाने मेरे को, वो 90s के गाने बहुत पसंद हैं, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि वैसे टाइप के गाने मैं बनाऊँ। देखो पापा का सबसे सबसे वन ऑफ हिज बेस्ट सॉन्ग्स तो मेरे को पहला नशा लगता है, मैं वो गा देता हूँ, और फिर मेरे को एक जो बहुत पसंद है वो भी गाता हूँ। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। और मेरा एक फेवरेट, पता नहीं क्यों मेरे को शाहरुख सर ये फिल्म में बहुत स्वीट लगे थे, फिल्म ही बहुत अच्छी थी ये, तो एक ही गाना था आई थिंक, जब भी कोई लड़के को जेन्यूनली कोई लड़की बहुत स्वीट लगे ना तब उसको ये गाना गाना चाहिए। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरजू जगाऊं अगर तुम कहो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरजू जगाऊं अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो, जमी को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। यार उम्मीदें, मैं ऑनेस्टली बोलूं मेरे को सब मेरे को ये सवाल लोग पूछते हैं बहुत बार, मैं ज़्यादा इतना सोचा नहीं है यार कि क्या मेरे को, मेरा मेन थिंग यही था ना कि जो भी देखे सोचे कि यार ये मेहनत करके आया है, जितना हो सके मैंने डांस प्रैक्टिस किया, जितना हो सके अच्छे से गाया, प्रोडक्शन में ध्यान दिया। अगर
अभी जो होना है वो होता है, मैं कोई उम्मीदें इतना रखता ही नहीं हूँ ना, क्योंकि और मेरे पापा ने भी बोला है कि बेटा देखो ये बहुत अनप्रडिक्टेबल लाइन होती है, क्या चल जाए क्या नहीं चले कोई बता नहीं सकता, पूरा मेहनत करो जितना हो सके कर लो, फिर भूल जाओ, फिर जो होना है होना है। तो मैंने भी वही, यार एक्टर कौन नहीं बनना चाहेगा यार, एक्टिंग का तो सबसे बहुत ही कूल जॉब है, कोई मेरे को दे दे तो मैं कर ही लूँगा, थोड़ी मैं मना करूँगा कि नहीं यार मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं कर किसके ही साथ लूँगा। मन? देखो मेरे को अक्षय कुमार सर बहुत पसंद हैं, उनके साथ अगर मेरे को करने को मिले तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, और या उनके लिए मेरे को गाने को भी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। एक्सेस ईजियर है सबके लिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे चीज़ डाल सकता है, लेकिन देखो यार हर टाइम में कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, अभी अभी कोई भी सब कोई भी यूट्यूब पे अपना गाना डाल सकता है, उसका मतलब ये है कि यूट्यूब पे बहुत गाने हैं, तो एक और आपका भी आ जाए तो वो कोई कोई बड़ी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब डाल सकते हैं, तो एक्सेस सबके लिए इजी है, लेकिन क्योंकि सबके लिए एक्सेस है कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। हाँ इस तरह से बोलना बेटर है। तो तो डांस जब मैं छोटा था तब मैं मेरी मॉम ने मेरे को लकीली मेरे को इतना पियानो वियानो सीखने में मज़ा नहीं आता था ना, क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम है यार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना ना बहुत डेडिकेशन, एक्चुअली हर चीज़ बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे को कल ही मैं एक इंटरव्यू दे रहा था ये सेम क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो आई एम वेरी हैप्पी, मेरी मम्मा ने कुछ भी करके बिठा के मेरे को बोला कि सीख लो तुम, तो अभी मेरे को बहुत काम आ रहा है। तो हाँ डेफिनेटली इट्स वेरी हेल्पफुल, जितना हो सके आपको थोड़ी, खास करके कीबोर्ड तो मैं कहूँगा आना ही चाहिए अगर आपने म्यूज़िक का काम करना है, क्योंकि सभी अभी तो डिजिटल हो गया है तो कीबोर्ड के थ्रू ही ज़्यादातर प्रोडक्शन का काम होता है। हाँ मैं अगर मेरे को लगे कि हाँ यार अगर ऐसा यार पता नहीं मेरे को ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर एट सम पॉइंट मैं सोचूँ कि यार मेरे सिंगल इतने चल नहीं रहे मेरे को शायद कोई टीवी का शो पकड़ लेना चाहिए, तो मैं पकड़ भी लूँगा एज अ आर्टिस्ट या पर हाँ तो टीवी शो वगैरह तो कूल अच्छी चीज़ है यार, आपको आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, आप सीधा डायरेक्टली लोगों के सामने गा सकते हो, लेकिन तो